नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.4। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है उसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और आपको उन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी किए, हमने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किए, बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह के है। आइए अब प्रैक्टिस सेट 3.4 करते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम अपने डेली लाइफ के ऐसे एग्जांपल्स आने वाले हैं जिसमें चीजें आपको नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेंगे, चाहे वो किसी की हाइट बढ़ रही हो, या चाहे किसी का वेट बढ़ रहा हो, या चाहे किसी का सेविंग हो रहा हो, या चाहे गाड़ी की स्पीड या तो बढ़ रही हो या डिस्टेंस कवर हो रहा हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि सिंपल है बहुत, सिर्फ आपको करना क्या है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर द नंबर द गिवन सीरीज द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। और अगर वो एपी में है तो देन यू कैन अप्लाई दी ऑल फार्मूलाज ऑन द गिवन क्वेश्चन एंड देन वी कैन सॉल्व। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है प्रैक्टिस सेट 3.4 में, दैट इज ऑन 1st जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव 10 रुपीज, 11 रुपीज ऑन द सेकंड डे, 12 रुपीज ऑन द थर्ड डे। If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? देखो, what is that? On 1st January 2016, 1st January 2016 से सानिका decides to save 10 rupees on first day, 11 rupees on second day, 12 rupees on the third day. मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये नंबर कैसे हो गए? ये नंबर AP में हो गए. She wants to save like this. और आगे क्या बोलता है हमको कि If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her saving? उसकी saving क्या होगी? अब पहली बात, 2016 में वो पैसा सेव करी है, आपको ईयर क्यों दिया है? आपको ऐसा बोलते वन ईयर बोलते तो डायरेक्ट हम 365 डेज लेते, यहां हमको ईयर दिया है 1st जनवरी 2016, तो 2016 we will have to check whether it is a leap year or not. हमें वो देखना है या नहीं। तो द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, ठीक है, जो भी 4 से डिविजिबल होता है। तो 2016 अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो दैट इज अ लीप ईयर। इसका मतलब वहां पर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है, वो चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम ऑन 1st जनवरी 2016 सानिका decides to save money, okay, like 10, 11, 12, 13 and so on, okay. On 1st January, Sanika decides to save rupees 10 on first day, 11 on second day, rupees 12 on third day and 30 on fourth day, okay. In this way. Now, first of all, here you see 10, 11, 12, 13 ये AP में है क्या? एक-एक बढ़ रहा है, AP में है। Direct लिखेंगे? Direct लिख सकते हैं हम? We can write directly or you can write as we were writing in the previous practice set. Okay, यहाँ लिखो। Here, saving of Sanika is in AP. Sanika की saving AP में है. Why? Because the common difference is 1. So that यहां first term क्या होगी? यहां first term क्या होगी? A is equals to 10 हो जाएगा और D is equals to कितना हो जाएगा? D is equals to हो जाएगा 11 minus 10 करो तो 1 होगा, या 12 minus 11 करो तो भी 1 होगा, ठीक है। a is equals to 10 हो जाएगा, d is equals to 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां कॉमन डिफरेंस हो गया 1। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि 2016 है, 2016 लीप ईयर है क्या? इट्स अ लीप ईयर, ओके। तो वो हमको यहां लिखना है, हमको टर्म्स लिखना है।
यहां पहले लिखिए सानिका सेव्स डी होल ईयर, ओके, पूरे साल भर वो सेविंग करती है, ओके, सो दैट शी विल सेव 366 डेज बिकॉज 2016 इज अ लीप ईयर, सो दैट एन क्या हो जाएगा 366 हो जाएगा, क्योंकि वो 366 डेज सेव कर रही है, तो 366 टर्म्स होगी इसमें, ठीक है, ये पहली बात हो गई। ओके, हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, क्या बोलता है कितना सेव करते हैं, मतलब हमको ये टोटल निकालना है इसका, इसका हमको उसका जितना कलेक्शन होगा, जितना वो साल भर में सेव करेगी, हमें क्या करना है उसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना मतलब हम उसको सम अप करना है, उसका सम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये तीनों चीजें जो हमारे पास है, दैट इज ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 366। सो ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 366, हमें निकालना है सम, ठीक। तो लिखिए यहां पर फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन अपॉन टू, एन कितना है 366 है, अपॉन टू 2a, a मतलब 10, n, n मतलब 366 माइनस 1 और d मतलब 1, ठीक है। क्या होगा ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए 183, यहां ब्रैकेट में आएगा 2 10 जा 20, 365। उसके बाद यहां पर 183 इंटू इन दोनों का प्लस कीजिए 385, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 70,455, ओके, दिस इज एस एन, एस एन बोलिए या एस 366 बोलिए, यहां लिखिए सो दैट सेविंग ऑफ सानी का इज रुपीज 70,455। तो इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या था देखिए, यहां पर सिर्फ आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए हैं, आपको सम निकालना होगा या फिर कई टर्म निकालनी होगी, एन निकालना होगा या डी, जो भी निकालना होगा, सिर्फ आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है कि कैसे उसको अरेंज करना है, आपको ये अरेंजमेंट करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। और ये लाइन हमेशा आपको लिखना है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां आपको ये बताना है कि हियर द गिवन नंबर्स आर इन एपी, वो स्टेटमेंट डालिए, डालते चलिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दोगे कैसे, किसने कहा कि वो एपी में, तो आपको बताना पड़ेगा, वो पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देके रखा है, अ मैन बोरोज रुपीज 8000 एंड एग्रीज टू रीपे विद टोटल इंटरेस्ट 1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब एक आदमी ने 8000 रुपए उधार लिए थे किसी से, और उसने क्या डिसाइड किया, उसने कहा कि 1360 रुपीज ही विल पे एज इंटरेस्ट, मतलब 8000 लिए थे और 1360 वो इंटरेस्ट देने वाला है, मतलब वो टोटल 8000 प्लस 1360 टोटल 9360 रुपीज ही विल पे, ओके, 8000 के एवज में वो 9360 रुपीज ही विल पे, ओके, इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आगे क्या बोलता है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज, हर इंस्टॉलमेंट पहली वाली इंस्टॉलमेंट से 40 कम है, कितनी कम है 40 कम है, ठीक, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, सपोज जो भी हो 2000 हो, तो 2000 से अगले वाले में उसमें 40 रुपए कम हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहली बार यहां पर जो क्वेश्चन में देके रखा है वो हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, मैन बोरोज रुपीज 8000, 8000 रुपए उसने उधार लिए हैं, ओके, He repays this money with 1360 rupees as interest. इतना interest वो pay करता है, ठीक है, so that यहां क्या हो गया,
प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल 8000 हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1360 रुपीस, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, क्या अमाउंट वापस करेगा वो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 8000 है, इंटरेस्ट 1360 है, तो 9360 वो रीपे करेगा, ओके। आगे क्या बोलता है, दिस अमाउंट ही विल रीपे इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, 12 इंस्टॉलमेंट्स में वो ये अमाउंट रिटर्न करता है। क्या बोलता है उसमें एक स्टेटमेंट, आगे का स्टेटमेंट क्या देके रखा है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीस, हर इंस्टॉलमेंट जो है वो लेस देन है 40, मतलब यहां अगर जो भी लेता है उससे 40 यहां कम हो जाएंगे, 40 यहां कम हो जाएंगे, 40 यहां कम हो जाएंगे, तो धीरे धीरे 40 कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यहां लिखो ईच इंस्टॉलमेंट, ओके, क्या देख रखा है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन, बीइंग लेस देन, बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन, प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीस, सो दैट जो अमाउंट वो वापस करने वाला है वो 40 कम होते जाएगा। इसका मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट्स होगी वो इंस्टॉलमेंट्स क्या होगी, इंस्टॉलमेंट्स विल बी इन एपी, सो दैट द इंस्टॉलमेंट्स, सो दैट द 12 इंस्टॉलमेंट्स विल बी इन एपी, जो 12 इंस्टॉलमेंट्स होगी वो एपी में होगी। तो अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे, हमें क्या दिया है कि एक आदमी ने 8000 रुपीस लिए हैं, वो इतना इंटरेस्ट वापस करता है, तो ही पेज द टोटल अमाउंट दिस, इतने पैसे वापस करता है, लेकिन कैसे वापस करता है, वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में करता है, मतलब उसकी 12 टर्म्स हो जाती है, इतने वापस करता है, मतलब 12 टर्म्स का सम कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। और क्या बोलता है कि जो हर इंस्टॉलमेंट है वो 40-40 से कम हो रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहां पर 40 आएगा, लेकिन 40 विल बी माइनस 40 क्योंकि वो कम होती जा रही है, अगर वो बढ़ती रहती तो प्लस 40 आता, ठीक है। अगर यहां पर मैं आपको कहूं कि पहली इंस्टॉलमेंट 100 है और दूसरी 60 है, तो 60 में से जब आप 100 करेंगे तो माइनस 40 आएगा, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस डी आएगा। हमें क्या बोलता है वो, हमें क्या पता करना है, फाइंड दी अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, हमको फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पता करना। तो अब हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वी डोंट हैव दैट, ओके, हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, कुछ नहीं, हमने ये लाइन लिख ली कि दिस 12 इंस्टॉलमेंट जो है दे आर इन एपी, ओके। तो यहां पर अब लिखो, सपोज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ए, तो यहां क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गई भाई, फर्स्ट टर्म ए हो गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, दैट इज माइनस 40 क्योंकि 40-40 कम होते जा रहा है। उसके बाद में ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये SN है, दैट इज 9360 रुपीज, और ये 12 टर्म्स है, तो N की जगह क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब हम SN का फार्मूला लगा लेते हैं, यहां पर बहुत सिंपल है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। SN क्या होता है, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, SN कितना है, SN है 9360 इज इक्वल टू, N की जगह हम पुट करेंगे 12 अपॉन 2, उसके बाद 2A, A हमको पता नहीं है तो हम A को एज इट इज लिखेंगे, N माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इंटू D, D की जगह माइनस 40, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस 40 लिखो, क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6, तो हमें क्या मिलेगा 9360, इस 6 को इसके अपॉन में दे दो, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 2A प्लस 12 माइनस 1 हो गया 11 इंटू माइनस 40, ठीक है, क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, 6 वन जा 6 बचते हैं 3, 3 3 33, 6 5 जा 30,
बचते 3636 तो 1560 ये आ गए, यहाँ पर 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 11 4 44, तो 440, ठीक है, इसको 440 को इधर भेज दो, तो 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a, तो 2a क्या हो गया भाई, इन दोनों का टोटल करो, दैट इज 2000, ठीक है, तो हमें a क्या मिल गया, a हमें मिल गया 2000 अपॉन, ये 2 इसके अपॉन में चले जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 1000, मतलब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या आ गई, 1000 आ गई। अब क्या बोलता है वो, हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पता करनी है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, tn का फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इनटू d, हमें t12 निकालना है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास a है, d है, n है, सब है, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर, a की जगह पर है 1000, ठीक, थोड़ा नीचे लिखते हैं उसको, यहां लिखते हैं, दैट इज tn की जगह t12, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट, a की जगह 1000, n की जगह 12 माइनस 1 और d की जगह माइनस 40, क्या होगा ये, t12 इज इक्वल टू ये 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40, ये हो गया t12 इज इक्वल टू 1000 माइनस 440, तो t12 इज इक्वल टू 560 होगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 560 रुपीज एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1000। आखिरी में आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560। तो बस इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको लिखना आपको तरीके से, बस बाकी कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं था हमारे पास में, SN था, एंड अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता कि SN दिया होता, N दिया होता, D दिया होता, हमको बोलते ए पता करो, तो हम तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते ना, तो हमें सॉल्व तो सिर्फ इतना ही करना पड़ा, ये हमको अरेंजमेंट करना है, ये आपको लिखते आना चाहिए, इन क्वेश्चंस में यही होता है, ये टेक्निक होती है, आपको तरीके से बस लिखते आ जाए, और ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आपको आता है, ओके, सिर्फ आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, मतलब पहली बार तो आपको नया लगेगा, लेकिन एज यू सॉल्व वंस ट्वाइस थर्ड थ्राइस एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली, ओके, लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वहां हमें देखे रखा है सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, सचिन ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, क्या बताता है, इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000 रुपीज, इन द सेकंड ईयर ही इन्वेस्टेड 7000 एंड इन थर्ड ईयर ही इन्वेस्टेड 9000 रुपीज एंड सो ऑन, फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, मतलब कैसे इन्वेस्ट कर रहा है वो 5000 7000 9000 एंड सो ऑन, कितने साल तक, 12 ईयर्स, क्या बोलता है, फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, 12 साल में कितने पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब इन सबका सम हो जाएगा, इन सबका टोटल हो जाएगा, मतलब 12 टर्म्स है हमारे पास, 12 टर्म्स पे जाना है हमको, n = 12 लेना है, फर्स्ट टर्म हमको 5000 देके रखिए, 5000 7000 9000, मतलब 2000 बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस d है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उसको थ्योरी के हिसाब से अरेंज करना है, यहां लिखो सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन एनएससी फॉर 12 ईयर्स, ओके, ही स्टार्टेड विथ रुपीज 5000 7000 एंड सो ऑन, ही स्टार्टेड विथ 5000 लिखिए, 7000 मत लिखिए, ओके, he invested like 5000 7000 9000 and so on for 12 years, okay, kitne saal tak kiya usne, 12 years tak kiya, here yahan likhiye, here investment of Sachin is in AP, सचिन का इन्वेस्टमेंट एपी में है, हमें ए क्या देके रखा है, फर्स्ट टर्म यहां पर 5000, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 9000 माइनस 7000 कीजिए, और से या फिर 7000 माइनस 5000, ये मैंने उल्टा लिख लिया, पहले 7000 माइनस 5000 लिखो भाई, जो सिस्टम है उसी को फॉलो करें, 7000 माइनस 5000 करो तो आएगा 2000, या 9000 माइनस 7000 करो
तो भी आएगा 2000, ठीक है। तो D की जगह क्या आ गया, D की जगह आ गया 2000। N हमारे पास क्या है, N हमारे पास 12 इयर्स है, हमें S12 निकालना है, 12 साल में कितना वो इन्वेस्ट करता है। ये सब चीजें यहां ऊपर लिख लो, A है 5000, D है 2000, N है 12, हमें S12 निकालना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं S12 का, SN का फार्मूला लिखिए, दैट इज N अपॉन 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 12 अपॉन 2, 2 इंटू A की जगह आएगा 5000, N माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इंटू D की जगह 2000। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कीजिए कैंसिल, 6 बचेगा यहां, 5000 इंटू 2 हो गया 10000, 11 इंटू 2000, 12 में से बन गया तो 11 और 2000 एज इट इज, ठीक है। कीजिए आगे के स्टेप्स ऑन, 6 एज इट इज, 10000 भी एज इट इज, ठीक है, प्लस 11 टू 22000, 22000 और 10000 कितना हुआ, ये हो गया भाई 32000, कितना हुआ 32000। तो 3 जीरो एज इट इज, 6 टू 12 कैरी 1, 6 थ्री 18, 1 19, 1,92,000 he will save in 12 years, okay। तो बस इस तरह से इसको करना था, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ए था हमारे पास, डी था, लेकिन वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको, वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। वहां हमें देखे रखा है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स, एक ऑडिटोरियम है जहां पर 27 रोज है सीट्स की, ओके, 27 टोटल रोज है। आगे क्या बोलता है, There are 20 seats in first row, 22 seats in second row and 24 seats in third row. First row में कितना है? 20 seats है, second row में 22 है और third row में 24 है। आगे क्या बोलता है? And so on. Find number of seats in the 15th row. हमें 15th row में कितनी seats है वो निकालना है. And also find how many total seats are there in the auditorium. देखिए मैंने इसके लिए starting में लिख के रखा है कि there are 27 rows in the there are 27 rows of seats. ओके इन द ऑडिटोरियम, ओके मैंने ऐड करना चाहिए वहां पर, 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकंड रो, 24 सीट्स इन थर्ड रो, 20, 22, 24 एपी में है, देखिए दो दो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एपी में, यहां लिखिए, सो दैट देयर आर 20, 22, 24 सीट्स इन ऑडिटोरियम। यहां लिखिए, हियर द सीट्स आर इन एपी, ओके, सो दैट ए क्या होगा 20, डी क्या होगा 22 माइनस 20 या फिर 24 माइनस 22, दोनों केस में डी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा 2। व्हाट वी हैव टू फाइंड, 15th रो में कितनी सीट है, तो T15 हमको निकालना है, और टोटल कितनी सीट्स है, तो कितनी रोज है वहां 27 है, तो S27 हमको निकालना है, दो चीजें हमको निकालना है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले क्या करते हैं हम T15 निकालते हैं, यहां लिखिए TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो T15 मतलब यहां पर N की जगह 15 यूज करेंगे, A की जगह 20, 15 माइनस 1 D की जगह 2, ये हो गया 20 प्लस 14 इंटू 2, तो 20 प्लस 14 टू 28, 48 सीट्स होगी कहां पर, 15th रो में, देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। हमें क्या निकालना है, 27 रोज में कितनी सीट्स है, हमें S27 निकालना है। आप तो SN का फार्मूला लिखो, दैट इज N अपॉन 2, N अपॉन 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, N कितना है 27 है, 27 अपॉन 2, 2A, A की जगह क्या है भाई 20 है, N N की जगह यहां 27 लिखेंगे, 27 माइनस 1, और D कितना है, दो दो बढ़ रहा है, बस बहुत सिंपल है, सॉल्व कीजिए, S 27, तो 27 अपॉन 2, 22 जो हो गया 40, 27 में से बन गया तो बचा 26 इंटू 2, कितना हो गया 27 अपॉन 2, ये 40 एज इट इज, ये दोनों का मल्टीप्लाई 52, ठीक है, कितना होगा 92 हो जाएगा, ये 27 अपॉन 2 इंटू 92,
92 कैंसिल हुआ 46 टाइम, तो 27 इंटू 46 आया, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, वो होगा 1242। तो देर आर 1242 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, इस तरह से उसको लिखना है। बस बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, है डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। हमें 15th रो में कितनी सीट से वो निकालना था और हमें टोटल कितनी सीट थी वो निकालना था, तो इस तरह से हमने किया है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ओके। इस तरह से इसको करना है, यहाँ पर ये लाइन लिखते चलना है कि भाई जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो एपी में है, और उसके बाद में हम फर्स्ट टर्म निकाल लें, डी निकाल लें, उस तरह से उसको सॉल्व कर लें, ओके। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, वहां देके रखा है कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे तक जो कारगिल का जो टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया गया, और क्या कहते हैं, ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, जो रीडिंग्स थी वो एपी में थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे। अच्छा, मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर था that was 5 more than plus 5 किससे, the sum of the temperature of Tuesday and Saturday, Tuesday और Saturday के temperature से, ठीक है, उस पे भी हम आएंगे। If the temperature of Wednesday was 30 degree, minus 30 degree Celsius, then the find the temperature of other 5 days, हमें 5 days के temperature निकालना है, okay, तो यहां लिखो, suppose the temperature of Kargil from Monday to Saturday is, क्या होगा भाई, A होगा A plus D होगा A plus 2D होगा A plus 3D होगा A plus 4D होगा और A plus 5D होगा। 6 दिन है, मैं डेज लिख लेता हूं यहां पर। ये यह होगा मंडे, ये होगा ट्यूजडे, ये होगा वेंसडे, ये होगा थर्सडे, ये होगा फ्राइडे और ये होगा सैटरडे, ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, हमें फर्स्ट कंडीशन देके रखी है दैट द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, कंडीशन वन। कंडीशन वन क्या है, मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज 5 मोर देन ट्यूजडे एंड सैटरडे, ट्यूजडे और सैटरडे के टेम्परेचर के सम के 5 मोर देन। मैं फिर से पढ़ता हूं, क्या देके रखा है, वहां हमें क्लियर देके रखा है द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द 5 मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ट्यूजडे एंड सैटरडे। चलिए जो जो डेज है इनके टेम्परेचर है वो लिख ले हम यहां पर। मैंने इस तरह से लिखा, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा यहां, सपोज द टेम्परेचर ऑफ द कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन डिग्री सेल्सियस लिखो यहां पर भाई, इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो जरूरी है, वो सेल्सियस में हमको देख के रखा है, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर मंडे का टेम्परेचर क्या है, वो ए है, तो ए लिख लो। सैटरडे का टेम्परेचर ए प्लस 5D है। ट्यूजडे का क्या है, ए प्लस डी है। सैटरडे का ए प्लस 5D है और ये 5। देखो भाई यहां क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है दोनों जगह, यहां भी ए कैंसिल हो रहा है, 5D भी कैंसिल हो रहा है। आपको नहीं काटना तो आप इस साइड लाके शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास यहां तो हो गया 0, यहां बचेगा D प्लस 5, तो 5 को इधर भेज दो, ये होगा -5 = D, मतलब D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5, कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देके रखा है, सेकंड कंडीशन, द टेम्परेचर ऑफ द वेंसडे इज, द टेम्परेचर ऑफ द वेंसडे इज -30°C। वेडनेसडे का कितना है, वेंसडे का है -30°C। वेंसडे के लिए हमने क्या टर्म ली थी, दैट इज ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D कितना हो गया, -30 हो गया। हमने D कितना निकाला है, -5 निकाला है, पुट कीजिए यहां पर, तो ए प्लस 2 × -5 = -30, तो ये क्या हो गया, ए -10 = -30, तो कितना हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू -30 प्लस 10 हो जाएगा, 10 उधर जाके, क्योंकि यहां माइनस है, माइनस उधर जाता तो प्लस हो जाएगा, तो ए हो जाएगा दैट इज -20। तो यहां लिखिए, सो दैट टेम्परेचर ऑफ मंडे क्या था भाई, मंडे तो ए था, तो ए हो गया -20। ट्यूजडे क्या था, ट्यूजडे क्या था, दैट वाज ए प्लस डी, तो ए प्लस डी मतलब -20
प्लस माइनस 5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 20 और 5 हो जाएगा माइनस 25, ये डिग्री सेल्सियस लगाते चलो। ओके, उसके बाद वेडनेसडे क्या था, वेडनेसडे को क्या था वो तो ऑलरेडी देख रहे थे, तो दैट इज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्सडे को क्या था, थर्सडे था दैट वॉज ए प्लस 3D, मतलब ए प्लस 3D, ए की जगह माइनस 20, 3 एज इट इज, डी की जगह माइनस 5, माइनस 5 थ्री था 15, माइनस 15 प्लस माइनस 20, तो माइनस हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। फिर सैटरडे फ्राइडे का क्या आएगा, ए प्लस 4D है, माइनस 20 प्लस 4 इंटू माइनस 5, माइनस 20 ये हो गया माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। और सैटरडे का क्या आएगा, सैटरडे और कम हो जाएगा 5, सैटरडे आएगा ए प्लस 5D, तो ए है माइनस 20, 5 इंटू माइनस 5, माइनस 5 फाइव 25 और माइनस 20, माइनस 45 डिग्री सेल्सियस। तो सो दैट टेम्परेचर इज माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 45 डिग्री सेल्सियस, तरह से होगा। ओके, सिर्फ अरेंजमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपने सोचा होगा सर आपने यहाँ पर ए प्लस, इसमें डायरेक्ट हमको बोला था एपी में है तो उसके लिए ले लिया, अदरवाइज जैसे हमने 6 सपोज टर्म की थी वैसे भी हम कर सकते थे। ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, फिर उसके बाद करते हैं हम अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वहां देखे रखा है ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्राइंगुलर इन शेप, एक ट्राइंगुलर शेप में एक लैंड थी। ओके, वहां पर ट्री प्लांटेशन ऑर्गेनाइज किया गया, कब, ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो देर इज 1 ट्री, इन सेकंड रो देर इज देर आर 2 ट्रीज, एंड थर्ड रो देर आर 4 थर्ड ट्रीज 3 ट्रीज। ओके, मतलब क्या है कि पहले इसमें एक ट्री प्लांट की, ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो रो थी उसमें 2 ट्रीज प्लांट की गई, ठीक है, वहां पर 2 ट्रीज प्लांट की गई, जो तीसरी रो थी वहां पर 3 ट्रीज प्लांट की गई, ठीक है, इस तरह से है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये मैं ऐसा बना दे रहा हूं थोड़ा सा आपको समझे कि भाई ट्रायंगुलर शेप में है तो ट्रायंगुलर शेप में जाएगा, तो 1, 2, 3 इस तरह से प्लांट किया है, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देर इज 1 ट्री, इन सेकंड रो देर आर 2 ट्रीज, इन थर्ड रो देर आर 3 ट्रीज, एंड सो ऑन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। वेरी गुड। ओके, तो यहां तो ये 1, 2, 3, 4 है, हमें 1, 2, 3, 4 लिख लेना है, उसके बाद में 25 जो रोज है उसमें कितनी टोटल ट्रीज है, क्या बोलते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, 25 रोज में कितनी ट्रीज है, तो वहां हमको क्या निकालना है, 25 निकालना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, यहां लिखिए द ट्रीज आर प्लांटेड एज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, सो दैट 1, 2, 3, 4 आर इन एपी, तो यहां पर ए कितना हो गया, 1 हो गया, डी कितना हो गया, 2 माइनस 1 दैट इज 1, या 3 माइनस 2 वो भी 1, तो डी हो गया 1। ओके, हमें क्या निकालना है, 25 इसमें निकालना है कितनी ट्रीज है। ओके, वी हैव टू फाइंड टोटल ट्रीज इन 25 रोज, सो दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड, एस 25 हमको निकालना है, एस 25 का फार्मूला, तो एस एन का फार्मूला लिख लो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a+n-1 इंटू डी, तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 लिख देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एस 25 निकालना है, 2a की जगह 1, यहां एन की जगह 25 माइनस 1, एन की जगह 25, 1 का 1 एज इट इज, डी की जगह पर फिर से इंटू 1। देखिए क्या किया हमने, एन की जगह 25 पुट किया, ए की जगह पर 1 पुट किया, देखिए ए की जगह 1 है, डी की जगह भी 1 है, तो डी की जगह 1 पुट किया, एन की जगह 25 पुट किया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, एस 25 अपॉन 2, 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 24 इंटू 1, तो क्या हो गया, 25 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 24, तो 25 अपॉन 2 इंटू 26, ये कैंसिल हो गया 13 टाइम, ये आएगा 25 इंटू 13,
13 5 जा 65 कैरी 6 13 2 जा 60 होगा 32 तो देयर आर 325 ट्रीज इन 25 रोज बस इस तरह से करना है डिफिकल्ट नहीं है बहुत सिंपल है ओके अगर आप लिखना चाहे तो टेक दिस स्नैपशॉट तो इस तरह से इसको करना था बहुत सिंपल सा है प्रैक्टिस सेट है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैं आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस जल्दी ही लेके आऊंगा ज्यादा आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस बहुत सिंपल है सिर्फ आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है बाकी कुछ नहीं इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए इसके एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे देके रखें ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी धन्यवाद